अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और यहाँ पे जी बस थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म हो गई थी रमज़ान के हवाले से, तो मैंने सोचा थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ। और आज मेरे किचन में बन रहा है ज़बरदस्त किस्म का चिकन कोरमा। और यहाँ पे मैंने सब चीज़ें लाइन अप करके रख दी हैं। ये मेरे घर का बना हुआ चिकन कोरमा मसाला है और ये है जी काजू। इसकी मैं पहले एक पेस्ट बना लूँगी क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट देता है कोरमे में। तो बस रमज़ान में अब आजकल तो वाकई में समझ नहीं आ रहा कि रोज़ क्या बनाया जाए। समटाइम तो मैं ब्लैंक हो जाती हूँ कि अब क्या खाने में बनाया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चिकन कोरमा बना लेते हैं। और माशाल्लाह से रोज़े आप लोग के सबके कैसे जा रहे हैं। मेरे तो बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक टाइम आता है जब रोज़ा लगने लग जाता है, लेकिन रोज़े का काम ही लगना है और हमें सब्र और पेशेंस ही शो करने हैं अपने इस महीने में। और कोशिश की जाए कि जितना हो सके सब्र किया जाए और बहुत सारी बातों को लेट को किया जाए। तो रमज़ान हमें यही चीज़ सिखाता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं खड़े गरम मसाले का थोड़ा सा इसमें ऑयल में इसकी फ्रेगरेंस आने दूंगी, खुशबू आने दूंगी। एंड आफ्टर दैट मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के थोड़ा सा चिकन को सॉटे कर लूँगी। इसके बाद फिर मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके योगर्ट डालूंगी ताकि योगर्ट जो है वो कडल ना हो जाए। और उसको उस बचाने के लिए मैं इस पर थोड़ा सा डाल रही हूँ। और ये है जी मेरे घर का बना हुआ खुशबूदार कोरमा मसाला। और ये इसके अंदर मैं डालूँगी और फिर इसके बाद दोबारा इसमें थोड़ा सा योगर्ट डालूँगी और इसको अच्छे से भूनूँगी। तो आजकल जो है मौसम अच्छा हुआ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। सूरज निकल रहा है, हमारे लिए तो बस सूरज ही निकल जाए तो बहुत बड़ी नेमत होती है, क्योंकि हर वक्त अंधेरा रहता है, डार्क रहता है तो वो मज़ा नहीं आता। तो रोशनी निकली भी हो, सूरज हो, सनलाइट हो तो ज़रा आप एक्टिव फील करते हैं और अच्छा लगता है काम वगैरह करना। तो बस अभी आजकल तो रमज़ानों में तो बस किचन और बस सिर्फ किचन। कोशिश भी जितनी की जाए कि किचन से आप जान छुड़ा सकें, बट नहीं छूटती है। क्योंकि एक सेशन होता है जिसमें खाना पकाया जाता है और दूसरा सेशन होता है जिसमें इफ्तारी की तैयारी की जाती है। क्योंकि मैं अगर सारा कुछ एक साथ खड़े होकर बनाऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और मुझ में इतना स्टेमिना नहीं होता कि मैं खाना भी साथ बनाऊँ और इफ्तार की भी चीज़ें साथ बनाऊँ। तो फिर मैं कोशिश यही करती हूँ कि 2:30-3 बजे के करीब खाना बना के रख देती हूँ और फिर 5 बजे के करीब या 6 बजे के करीब मैं किचन में जाती हूँ और अपनी इफ्तारी की तैयारी शुरू करती हूँ। क्योंकि छोटे छोटे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, स्पेशली इफ्तारी के हवाले से चीज़ों को धोना, काटना, रखना, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं और एक बंदे के लिए करना आसान नहीं होते, क्योंकि किसी किस्म की हेल्प नहीं है मेरे पास। तो हर चीज़ खुद ही करनी होती है, सब चीज़ें खुद मैनेज करनी होती हैं। बच्चों की भी आजकल छुट्टियां हैं, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं अपने हॉलीडेज़ को। और यहाँ पे देखें जी, मैं इसके अलावा घर के कोरमा मसाला के अलावा भी मैं जायफल जावेत्री डाल रही हूँ। और ये है जी सब इसका सीक्रेट इन्ग्रीडियंट जो सबको बहुत पसंद आता है कोरमे में, वो है जी ये केवड़ा वाटर। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी, बहुत क्रीमी टेक्सचर आया था। ऐसे लग रहा था कि जैसे इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा क्रीम वगैरह डाली है, लेकिन ये काजू की वजह से, काजू ना होता आप बादामों को भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं कभी समटाइम बादाम भी डाल लेती हूँ, पर अभी काजू पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो काजू डाल देती हूँ, अच्छा है बच्चे भी खा लेंगे इसी बहाने से। ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है अपने अंदाजे से ही। और बस ये रेडी हो चुका हुआ है और साथ साथ तैयारी हो रही है इफ्तारी की भी। और यहाँ पे जी मैंने ये फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ मिक्स था और इसको मैं बस ओवन में बेक करने के लिए रखने लगी हूँ। और इसके अलावा मैं आज पिज़्ज़ा बेक करूँगी, थोड़ी डिफरेंट किस्म की रख रही हूँ इफ्तारी, बिकॉज़ डेली पकौड़े खा खा के भी आप बोर हो जाते हैं, डेली वही समोसे वही रोल खा के भी जो है ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है अपनी इफ्तारी को। तो आज थोड़ी सी चेंज हो रही है इफ्तारी। और ये देखें जी मुझे क्या मिला है, मेरी प्यारी सी दोस्त ने मुझे रमज़ान का गिफ्ट दिया है। तो मैं सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी क्यों ना शेयर करूँ, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो व्लॉग के ऊपर ही है कि मैं जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं मेरी लाइफ में मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और होप्स आप लोगों को अच्छा लगता हो, आप लोगों को पसंद आता हो, बल्कि काफ़ी लोगों को आइडिया भी मिल जाएगा कि अगर किसी को अपने लिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए रमज़ान के गिफ्ट्स देने हैं, वो इस तरीके से कर सकता है। मैं तो हर साल ही बनाती हूँ रमज़ान ट्रीट बैग, और इस दफ़ा मुझे भी मिल गया तो मैं बहुत खुश हो गई, तो मेरी दोस्त ने मुझे दे दिया। तो यहाँ पे जी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चीज़ें जो उसने इसके अंदर डाली हैं। ये देखें जी, ये मुझे बहुत पसंद आया, मुझे डेकोरेशन का बहुत शौक़ है रमज़ान की, तो उस हवाले से भी उसने मुझे गिफ़्ट किया है। और बाकी जो चीज़ें होती हैं रमज़ान की इम्पॉर्टेंट, उस हवाले से उसने मुझे चीज़ें दी हैं और मैं आप लोगों से हर चीज़ शेयर कर रही हूँ। ये देखें मसाले भी, और दही बड़ा मसाला, ये सब चीज़ें जो हैं रमज़ान में काम आ जाती हैं, तो अच्छी बात है, वही चीज़ दो जो सबके काम है। ये देखें जी, ये मेरी फेवरेट चॉकलेट भी उसने इसके अंदर डाली हैं। और इसके अलावा जी इसमें है डेट्स, खजूरें हैं, और इसके अलावा उसने मुझे दी है कैंडल्स, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे कैंडल्स का बहुत शौक़ है और मैं हर वक्त कैंडल्स बाय करती रहती हूँ। तो उसने मुझे बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त सी कैंडल दी है, जो कि आप आगे आने वाले मेरे व्लॉग्स में इसको जलते हुए देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। सो मैं थैंक यू करूँगी अपनी दोस्त को, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इतना प्यारा सा तोहफ़ा आपने मुझे दिया। तो चले जी आगे बढ़ते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ, और मैंने आप लोगों से सब चीज़ें शेयर कर ली हैं अपनी फ्रेंड की। यहाँ पे जी चिकन कोरमा बिल्कुल रेडी है, यह है जी इसकी फ़ाइनल लुक, और इसके साथ मैं बना रही हूँ राइस। तो यहाँ पे जी मैं बनाने लगी हूँ पुलाव राइस, बनाऊँगी झटपट से, क्विक से। और चावल जो है वो मैं और मायरा ही इस तरह के शौक़ से खाते हैं, ना ज़ुहैब खाता है, ना ही मेरे हस्बैंड खाते हैं, और वो सिर्फ दोनों जो है बस बिरयानी खा लेते हैं थोड़ी बहुत, वरना अदरवाइज़ मैं और मायरा जो है वो पुलाव वग़ैरह या ज़ाफ़रानी राइस, इस तरह की चीज़ें शौक़ से खा लेते हैं। और दोनों किस्म की काली मिर्चें डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। एक मैं पुलाव मिक्स भी बनाती हूँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनता है, लेकिन फ़िलहाल अभी ज़रा जल्दी चलती है, तो मैंने थोड़ा सा इसको कलरफुल करने के लिए हल्दी भी डाल दी है ताकि येलो येलो से बने। और थोड़ा सा खरा जो गरम मसाला होता है वो इसके अंदर डाल रही हूँ, और इसके अलावा जी इसमें डाल दूँगी नमक वगैरह, और फिर रेडी कर लूँगी आगे चावल। राइस कुकर रख लिया है मैंने अपना, ज़रा क्विक कुकिंग हो जाएगी, और चूल्हे को भी थोड़ा से टाइम मिल जाएगा सांस लेने के लिए, क्योंकि हम लोग रमज़ानों में नॉन स्टॉप ही चूल्हा यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं समटाइम सोचती हूँ कि इसको भी थोड़ा सा गैप देना चाहिए, स्टोव को भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कवर करके इन सब चीज़ों की खुशबू निकलने दी है, और थोड़ा थोड़ा पानी करके मसाला भून रही हूँ ताकि जल ना जाए। और फिर इसके बाद मैं इसके अंदर यहाँ पे चावल डाल दूँगी। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बना रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी बना रही हूँ, क्योंकि ये भी हमारे राइस बच जाएंगे। तो उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए और अपने बेटे के लिए रोटी बनाऊंगी। वो दोनों जो हैं रोटी लवर हैं, और उनको राइस इतने पसंद नहीं है। तो बस जितने कप चावल हैं उससे डबल पानी डाल दें, और यहाँ पे मैंने 2 कप पानी डाल दिया है, तो मैंने 1 कप चावल लिया हुआ है। और इस आई थिंक मैंने फिर 2 कप चावल लिए हैं, क्योंकि मैंने 3 कप पानी डाला है। तो बस इसी तरीके से है कि चावल से डबल क्वांटिटी में पानी होता है बस। तो यहाँ पे जब तक इसमें बॉईल आएगा, मीनवाइल मैं रोटी बना लेती हूँ। और बस अब तो स्कूल खुलने ही वाले हैं, 1 हफ्ते की और छुट्टियाँ रह गई हैं, और आखिरी अशरा होगा हमारा, मुश्किल होगा अफ्तारी के सहरी के बाद स्कूल के लिए उठना। हमारी तो फजर हो रही है आजकल 4:39 पे, तो अभी आगे आगे और टाइम जाता रहेगा, पीछे होता जाएगा बल्कि टाइम उसका, फजर की नमाज़ का, और अफ्तारी का जो है वो आगे होता जाएगा। तो रोज़े यहाँ पे लंबे होते हैं, नो डाउट मुश्किल होता है। एक टाइम आता है जब बहुत ज़्यादा आपको भूख लगने लगती है, और मायरा ने एक रोज़ा रखा था, लेकिन अब ज़्यादा मैं उसको इंसिस्ट नहीं कर रही हूँ। बस ये है कि अगर उसका अपनी हिम्मत होगी, हिम्मत पे डिपेंड करता है। शौक़ तो सबको होता है रोज़ा रखने का, क्योंकि ये हम पे फ़र्ज़ है, हमारी फ़र्ज़ इबादत में एक है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा ये मंथ है, और हम मुसलमानों के लिए इससे ज़्यादा प्रीशियस मंथ, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ और कुछ नहीं है। तो जी बस यहाँ पे यही है कि जब हिम्मत बच्चों में हो तो वो रोज़ा रख लेते हैं। और मेरी जो बहन है, मेरी जो छोटी बहन है, उसकी माशाल्लाह बेटी रोज़ा रख रही है, और मैं बड़ी इम्प्रेस हूँ कि छोटी सी बच्ची जो है वो उसके पहला रमज़ान है यहाँ पे लंदन में, और वो इतने लंबे रोज़े रख रही है। और माशाल्लाह मायरा भी कोशिश कर रही है, उसने भी माशाल्लाह से रोज़ा पहला ही रखा था, इसका पहला साल था, और अच्छे से उसका रोज़ा गुजर गया था। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर भी वो कोशिश करेगी कि रोज़ा रखे। और यहाँ पे जी मीनवाइल पानी बॉईल हो चुका हुआ है। यहाँ पे मैं राइस डाल दूँगी। और पाकिस्तान में भी मैं अपनी सिस्टर को भी यही कहती हूँ, बड़ी वाली को, कि जब गैस का मसला हो रहा है तो इस तरह की इलेक्ट्रिक चीज़ें रख लें, तो या इलेक्ट्रिक स्टोव ही लेके रख लें। तो उसमें यह है कि फिर आपको ये इशू नहीं रहेगा कि गैस ख़त्म हो गई है या गैस नहीं आ रही है तो किस तरीके से कुकिंग की जाए। बिकॉज़ जिस वक्त आप खाना बना रहे हैं और उस वक्त गैस ना हो, वो भी रमज़ानों के टाइम पर, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि रमज़ान में तो आपको घड़ी के सुइयों के साथ भागना होता है। आजकल आप लोगों को मेरे बैक साउंड बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, क्योंकि बच्चे घर में हैं और मुझे कोई भी जगह नहीं मिल रही जहाँ मैं सुकून से बैठ के वॉइस ओवर कर सकूँ। जिस कमरे में मैं जाती हूँ ये लोग आ जाते हैं और मैं इनको चुप कराती रहती हूँ कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए चुप कर दो और मुझे वॉइस ओवर करने दो। तो बस जब ये लोग स्कूल जाएंगे तो फिर मेरी रूटीन सेट होगी और नॉर्मली मैं जिस तरीके से अपनी वीडियोस डालती थी मैं डाला करूँगी। अभी जो है सिर्फ वॉइस ओवर करने के लिए मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो यहाँ पे जी मैंने चावलों को रख दिया है पकने के लिए। कौरमा रेडी है, रोटियाँ भी रेडी हो चुकी हुई हैं, बस मैं ओवन से निकालूँगी। पिज़्ज़ा भी रेडी था, बस उसको भी निकालूँगी। और अभी फ़िलहाल तो हम लोग मौसम को एंजॉय कर ही रहे हैं क्योंकि धूप निकल रही है, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा है कि पता नहीं कहाँ से ये सर्दी एकदम से वापस आ गई है। हमारी तो जान छुटी थी सर्दी से, हमने बड़ा ही अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो भी गर्मी आने वाली है। तो मौसम ने ऐसा हमें धोखा दिया कि 2 दिन हमें एंजॉय करवाया और उसके बाद ऐसी कड़क सर्दी पड़ी है कि मतलब आंखें बाहर आ गई। ये देखें जी, ये मैं थोड़ा सा सौदा लेकर आई थी, जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में दिखाया था। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने रमज़ान ट्रीट बैग में डालनी है और कुछ चीज़ें मेरे अपने घर की हैं, तो आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। ज़ाहिर है आप लोगों से तो हर चीज़ शेयर करनी होती है, और किचन के हवाले से तो जो भी चीज़ मैं लाती हूँ वो आप लोगों से मैं लाजमी शेयर करती हूँ, चाहे वो नए बर्तन हो या नई क्रॉकरी वगैरह, मतलब जो भी नई चीज़ होती हैं आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। तो ये कुछ ट्रीट बैग में डालनी है चीज़ें, मिक्स एंड मैच सारा सौदा है। और चने लेकर आई हूँ, चनों को मैंने बॉईल करके इनके पैकेट्स बना के रखना है, तो बड़ा अच्छा रहता है, रमज़ान सुकून से गुजर जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं ये काम भी आज कर लेती हूँ। और ये निम्को लेकर आई हूँ, ये भी मैंने ट्रीट बैग्स में डालनी है। इसके अलावा जो है अपना नाश्ता, घर के जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो लेकर आई हूँ। तो बस जी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह करे आप लोगों को हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगें और हमारी भी वीडियोस आगे से सक्सेस हों, कामयाब हों। और वीडियो बनाना इट्स नॉट अ इजी थिंग, और स्पेशली एडिटिंग करना, पूरा दिन इसमें चला जाता है। यानी मैं अगर सुबह एडिट करने बैठूँ तो दोपहर हो जाती है, इतना टाइम लेती है एडिटिंग। तो बस अल्लाह ताला करम करे हम लोगों के ऊपर भी इस रमज़ान, और हमारी वीडियोस भी मशहूर हो जाएं और लोग पसंद करें और अच्छे व्यू आ जाएं, क्योंकि फ़िलहाल तो इतने ख़ास कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, बट स्टिल मेहनत कर रहे हैं। देखते हैं ये मेहनत हमें कहाँ तक लेके जाती है। मेहनत में ही बरकत है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। और मुझे तो वैसे शौक़ भी था वीडियोस बनाने का, और मुझे ये होता है कि चलो मेरी मेमोरीज सेफ़ हो रही हैं, तो एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला मेरी भी वीडियो वायरल होंगी और लोग पसंद करेंगे और अच्छे व्यूज़ आएंगे। तो जी यहाँ पे चने गल चुके में हैं, बस रेडी हैं चने, बस मैं इनके पैकेट बनाऊंगी और इनको फ्रीज़ करूंगी। और यहाँ पे जी पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया है। थोड़ा डिफरेंट अफ्तारी रखी है आज, जैसा कि मैंने आपको बताया था। बच्चे खुश हो जाते हैं स्पेशली जब इस तरह की चीज़ें बने, क्योंकि बच्चों को जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ और पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद होती हैं। तो यहाँ पे जी मैं अब ये बनाने लगी हूँ पैकेट्स। यहाँ पे शॉपर्स रखे हुए मैंने, और चनों के मैं अपने अंदाज़े से ही पैकेट बना लूँगी। और आप लोगों को मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलूँगी अगली दफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़।